Welcome back to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. If you guys are watching me for the very first time, I'm Khushbu. And dad लेने आए थे स्कूटी. नहीं, मुझे लेने आए थे स्कूटी. स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हुआ क्योंकि वो स्कूटी बहुत टाइम हो गया ना, मतलब चलाया नहीं है. एक तो उसका सेल्फ स्टार्ट का ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था पहले से ही, तो स्टार्ट ही नहीं हुआ स्कूटी. तो हम जा रहे, भाई को बुला लिया, वो जाके स्टार्ट करके ले आएगा. वहाँ पर आ रहा है अनिश, तो वहाँ पर ही छोड़ दिया. और हम जा रहे गाड़ी लाने. डैड ने एक गाड़ी देखा है उनको खरीदना, ऐसे ही प्लान कर रहे थे. मुझे तो पता भी नहीं था, सीधा खरीद के बोल दिया कि खरीद लिया है, तुम मंडे आ जाना मिलने. बोल वही सा वो बाइक चला गया स्कूटी लाने. पता नहीं कैसे करेगा वो, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है. सिर्फ किक भी इतना मारा फिर भी नहीं हो रहा है. तो डैड को एक महीने से सोच रहे थे गाड़ी खरीदने के लिए, तो ऐसे कभी कभी इधर उधर जाना पड़ता है, बोल के खरीद लिया एक गाड़ी. मम्मी यहाँ पर है. ए लु अब हिँड्दा हुन्छ त अन्त, बाजेलाई ढिलो हुन्छ अरे नि त. अरे भाइ नै कसरी ले लियो, स्टार्ट हो गया. चलो हिँड्नु न, यहाँ पर था वो दुकान पर अभी बुलाई नहीं है वो दुकान. तो दाद तो आ गए बिकॉज पूजा का टाइम आई थिंक 9:30 समथिंग से कुछ तक ही है, और पंडित जी अवेलेबल नहीं है, उसके बाद कहीं जाना है. तो जल्दी हम तो आ गए पर दुकानदार ही नहीं आया. गाइस कॉल कर लिया, उसको लगेगा 10 मिनट जितना वो डिपो आ गया है. तो हम जा रहे हैं कृष्णागर बिकॉज मुझे खरीदना है वॉलिस का बिस्किट. डरा हुआ काला काला बोलेगा यू तुम्हें रहे ना. छः पाकि सात पाकि ढाल्दिन भनौँ, आठ प्याकेट हालिदिनु भन हुन्छ त्यो बडो दिइहाल्नु. यहाँ पर इतना प्याकेट ले लिया, माम के लिए भी, हमारे लिए भी, मम्मी के लिए भी, बोजू के लिए भी. गाइस ये वाला है शायद 30 का, कितना हुआ 30,000 ही चला हुआ है ये गाड़ी की. कितना वो 30,000 ही चला हुआ है, तो नया ही है बोल के डैनी ही ले लिया. यही है शायद, लाल में बोल रहा था, मुझे यही लग रहा है यही है. ब्लैक एंड ब्राउन. भी आ गया
बाजे को पुराने के लिए बाजे को कहीं जाना है तो वहाँ तक जाके आएंगे। जा रहे हम बाय नया गाड़ी में। मेमे यहाँ पर मिठाई एकदम यूनिक का खा रहा है। गाइस बंजरी को चिल्ला के जाऊंगी, देखो देखो बोल के। एक बिस्तार कुदाऊ ना। चलो गाइस चलते हैं नया गाड़ी में। मुझे देखते हो बाबा देखनु त छ अलिक अलिक उता जान त छुमै सारे अनुमान नया गाड़ी चलाते हैं गाइस। अब हम जा रहे हैं डिपो। डिपो जा रहे गाइस, देख रहे हो ना? मैं देख रहे हो मेमे को भी थोड़ा। मेमे भी है पीछे। मेमे है, मेमे मेमे का नया गाड़ी आया। चला नहीं सकता है इसलिए हम लेके जा रहे हैं मेमे के घर में। रोजाना है मेमे के घर। बेटी ड्राइव कर रहा है, बढ़िया से बढ़िया ड्राइव करता है ये। उससे छोटा था तब से ड्राइव कर रहा है। देखिए रहा है, उधर से गाड़ी है, फिर पास भी दे रहा है, पास देने भी नहीं रही है। देखिए बढ़िया चलाता है ये मेमे का। सुजुकी का गाड़ी है, मेमे का मारुति सुजुकी। अच्छा रख रहा हूँ। अच्छा रख रहा हूँ। हम यहाँ पर आए भी किस गाड़ी यहाँ पर रखना है। जी मैम। वो खा रहे हो क्या पो? चाय, भूख लगा है। लौन वा। ये गाड़ी जाएगा अब यहाँ अंदर। ये तख्ती वख्ती लगा दिया है। और ना एक और गैराज है हम लोग का, पर वहाँ पर मतलब ऑलरेडी सवारी रखते हैं ना, तो थोड़ा जगह की वजह से फिट नहीं हो पाया ये गाड़ी, तो अभी यहीं पर रखेंगे क्योंकि दूसरा गैराज भी नहीं मिल रहा। डिफिकल्ट गैराज मिलना तो एकदम सीधा जाना पड़ेगा, लग जाएगा। गाइस साथ देखिए घर का ऑर्गेनिक मैं ले जाने वाली हूँ। मैंने कल मैम को बोल दी साग के बारे में, मैम के पास है तो दे रही है। दही खादा हुन्छ? यो खादा चाहिँ हुन्छ? गाइस यहाँ पर देखिए साग। बाप रे मेरा हाथ देखिए, मेरा हाथ इतना है। और साग देखिए माम, मैं बोल रही थी खाने से होगा, बोल रही है होगा, पर माम को देखना है कितना बड़ा होगा बोल के। बाप रे पहली बार देखा मैंने इतना बड़ा साग। देखिए यहाँ पर मेरा हाथ इतना है और पत्ता देखिए। बाप रे एक छाक हो जाएगा मेरे लिए। संदीप दाजू बनी दी मनीष दीदी के लिए। कार्य का बंदोबस्त हो गया। साग ऑर्गेनिक। गाइस देखिए माम का प्लान, नर्सरी नीचे भी है। साग हुन्छ हैन? हो जाएगा बस, हो जाएगा। ए हो गया साग एक बेटा। टाइट टाइट हो गया। मैं बेचारा मम्मी का डैड गाइस, मम्मी का मॉम नीचे है। धन्यवाद मेमे।
माम का नर्सरी मतलब प्लांट्स यहाँ पर भी है देखिए। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, फूल रहा है यहाँ पर भी है। ओह ये मेरा फेवरेट प्लांट, अच्छा दिखता है प्रॉपर। यहाँ पर भी है माम का देखिए प्लांट्स वगैरह, दाजू भी लेके गए हैं इतना सारा प्लांट्स। और यहाँ पर भी है, माम बोल रही पता नहीं मैंने इतना प्लांट कैसे उगाया, जू के एक्सरसाइज के लिए कि क्या के लिए, पैसा के लिए एक्सरसाइज ही होगा। देखिए कैक्टस वगैरह भी है यहाँ पर, आप भी ले सकते हो, डीप उगाऊँ बोलते हैं इसे, सौरनी और मिर्च के बीच में। देखिए वाह कैक्टस अच्छा है, हमें कैक्टस से पानी कौन ध्यान पड़ता, 110 50 रुपये 150 ये सब। देखिए वाह अच्छा दिख रहा है, पर इसको पॉट चेंज करने में बहुत दिक्कत होता है बोल रहे मैम, बिकॉज इसका वो होता है ना ये क्या बोलते हैं थॉर्न, ये होता है दिक्कत होता है, ये चेंज करना पड़ता है पॉट बोल रहे मैम। स्नेक प्लांट है मैम, स्नेक प्लांट मैम ने माँ ने भी लिया था, वैसे गर्मी है यहाँ पर, ये इसके ऊपर की प्लास्टिक की वजह से। यहाँ पर भी ये भी उगेगा शायद, यहाँ पर रख सकते थे गाड़ी, पर ये फॉरेस्ट का एरिया है तो कभी कभी गाड़ी आता है ना तो तब प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ पर जा नहीं रहा बिकॉज ये लाइक बॉटम मतलब काट वगैरह लगा लिया फिर भी स्लिप हो रहा है बहुत, तो क्या कर रहे हैं वो बोरा में ना सीमेंट थोड़ा मड डाल के यहाँ पर थोड़ा ऊंचाई ला के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, देखते होता नहीं है। यहाँ पर स्लैब भी लगा सकते हो पर टाइम लगेगा ना, तब तक गाड़ी कहाँ रखे प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अभी मट्टी डाल रहा है,